हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। सो जो हमारा कल का लाइव सेशन था, उसके अंदर हमने कुछ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से हमने कुछ यूनिट टू के कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो चीज़ टर्म्स क्लियर हैं। तो उसी के बेसिस पर मैंने उनसे MCQs बनाए हैं और यहाँ पर हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पूरी दोनों यूनिट्स कवर होती हैं पार्ट 10 के अंदर, क्योंकि इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट के सारे ही MCQs आपको कवर कराए हैं। देन हमारा कल का लाइव सेशन था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, जिसके अंदर हमने यूनिट 2 को डिस्क्राइब किया था, डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। और आज हमारा उसी से ही मैंने उस यूनिट से इसमें कोशिश करी है कि आपको MCQs की फॉर्म में वो कॉन्सेप्ट्स मिल जाएँ। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। इसके बाद हम दोनों ही यूनिट्स की हम रिविज़न करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, फिर हम देख लेते हैं इसके अंदर कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके। और काफ़ी बच्चों का आज एग्ज़ाम भी था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, तो उनके जैसे ही रिव्यूज़ आएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और जो भी अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो उन वो क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो पैटर्न है वो MCQs में ही आने वाला है। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हुए हैं और अभी बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पेपर रहते हैं, क्योंकि डेट शीट अभी नहीं आई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से अपना पार्ट 10। और जो है हमारा ये पेपर, पेपर 5A, तो उसके अंदर दो ही यूनिट्स हैं, वो यहाँ पर आज ख़त्म हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ सोशल यूनिट ऑफ एनी साइज दैट शेयर्स कॉमन वैल्यूज एंड सिचुएटेड इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने कल 1 आवर की क्लास लेकर आपके साथ पूरा क्लियर किया है। तो आप ही इसके अंदर मुझे बताएंगे कि इसका बेस्ट आंसर क्या होगा। विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर ये आज का सेशन दूंगी, क्योंकि ये हमने कल कवर कर लिया है। और जिनको भी, जिन्होंने भी कल का सेशन नहीं देखा है, तो वो आप लाइव क्लास देखिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, 2nd यूनिट से है, आपकी हेल्प हो जाएगी उससे। तो बताओ फिर इसका कौन सा आंसर या बेस्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर। ए कम्युनिटी, बी सोसाइटी, सी सोशलाइजेशन, या फिर डी ग्रुप। इसके अंदर पूछा है कि वो कौन सी सोशल यूनिट है जिसके अंदर वो किसी भी साइज़ की होती है और वो कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, और कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। तो हर एक टर्म का कुछ अपनी कीवर्ड्स होते हैं, तो वो आप ध्यान रखिए, उसके अंदर आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो बताओ फिर इसका क्या करेक्ट आंसर है। कम्युनिटी से जाएगा, सोसाइटी से जाएगा, सोशलाइजेशन से जाएगा, या फिर एक ग्रुप होता है जो एक कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा कम्युनिटी। एक कम्युनिटी एक स्मॉलर टर्म थी, और जो हमारा सोसाइटी होता है वो ब्रॉडर टर्म होती है, ब्रॉडर एस्पेक्टिव्स होते हैं उसके। तो ये हमने कल करा था इसको। और कम्युनिटी क्या होती है, वो किसी भी साइज़ की हो सकती है, नेशनल कम्युनिटी जो भी होती है हमारी, तो वो कम्युनिटी किसी भी साइज़ की हो सकती है, पर वहाँ पर वो कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करते हैं और कहाँ पर एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ ज्योग्राफिकली लोकलाइज्ड कम्युनिटी विद इन अ लार्जर टाउन और रूरल एरियाज। इसमें पूछा है कि कौन सा ज्योग्राफिकली लोकलाइज्ड कम्युनिटी है जिसके अंदर विद इन अ लार्जर टाउन और रूरल एरियाज। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं। ए सोसाइटी, बी नेबरहुड, सी कम्युनिटी, या फिर डी स्कूल। तो इसमें पूछा है कि कौन सा ज्योग्राफिकल लोकलाइज्ड कम्युनिटी है, कौन सी है जो एक लार्जर टाउन में भी होती है, रूरल एरियाज में भी होती है। तो आप ये बताइए कि कौन सी होगी ज्योग्राफिकल लोकलाइज्ड कम्युनिटी। तो हर एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़िए, तो आपको बहुत जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे इसके। यहाँ पर सोसाइटी जाएगा, नेबरहुड जाएगा, कम्युनिटी जाएगा, या फिर स्कूल जाएगा। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर देके बताओ कि इसका क्या करेक्ट होने वाला है आंसर। तो जो इसकी बेस्ट टर्म है और बेस्ट आंसर है इसका, तो वो है हमारा नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है, जो आपके पड़ोसी होते हैं, कलेशी जिसे हम कहते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो पड़ोसी पड़ोसी ही रहते हैं। तो जो आपके पड़ोसी या नेबरहुड होता है, वो आपका यहाँ पर एक जो टर्म लिखा है ज्योग्राफिकली लोकलाइज्ड, जो लोकल एरियाज़ में, मतलब कि आपके घर के आसपास लोकली हो गया, तो लोकल कम्युनिटी से वो लिंक होता है, और वो विद इन अ लार्जर टाउन और रूरल एरियाज़ दोनों में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फैमिली कंसिस्ट ऑफ आंट्स, अंकल्स एंड कजन्स
ऑल लिविंग नियर बाय और इन सेम हाउस होल्ड. इसमें पूछा है कि वो कौन सी फैमिली का टाइप है जो कंसिस्ट करता है आंट, अंकल, आपके जो भी चाचा चाची होते हैं, कजन्स हो गए आपके, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए आपके, और जो आस पास ही रहते हैं और सेम हाउस होल्ड में रहते हैं. या फिर ए न्यूक्लियर फैमिली, बी सिंगल पेरेंट, सी एक्सटेंडेड फैमिली, या फिर डी नन ऑफ द अबव. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से बताओ उसका क्या करेक्ट आंसर होगा. न्यूक्लियर फैमिली से जाएगा, सिंगल पेरेंट से जाएगा, एक्सटेंडेड फैमिली से जाएगा, या नन ऑफ द अबव. क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कल भी कवर कराया और पहले भी मैं सेशन में करा चुकी हूँ. तो जो इसका बेस्ट आंसर है वो है हमारा एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जो आपकी स्टार्टिंग से चलती आ रही है, जिसके अंदर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, उनके फिर उनके जो बच्चे हो गए वो आपके हो गए, मम्मी पापा या चाचा चाची, फिर उसकी जो पूरी जॉइंट फैमिली हम जिसे कहते हैं, तो वो एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर उसमें बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कल्चर, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, लैंड और अ सेट ऑफ रिलेशनशिप. अब यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है जो शेयर करते हैं कल्चर, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, लैंड और एक सेट ऑफ सोशल रिलेशनशिप होते हैं जो आपस में शेयर करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं. ए सोसाइटी, बी कम्युनिटी, सी वैल्यूज, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. सारी ही टर्म्स इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ जाती हैं, तो जल्दी से बताओ किसका क्या करेक्ट आंसर होगा. वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो शेयर करते हैं गवर्नमेंट को, कल्चर को, इंस्टीट्यूशन को, लैंड को और सोशल रिलेशनशिप को. तो इसका करेक्ट आंसर आप ही देंगे, मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए कि इसका बेस्ट आंसर क्या है. सोसाइटी से जाएगा, कम्युनिटी से जाएगा, वैल्यूज से जाएगा, या फिर सारी ही टर्म्स इसके साथ बिल्कुल करेक्ट जाती हैं. तो जल्दी से मुझे लाइव चैट में बताओ कि इसका क्या करेक्ट आंसर है. तो जो इसका बेस्ट आंसर है यहाँ पर वो है हमारा सोसाइटी. सोसाइटी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सारे ही कल्चर को, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशन को और सोशल रिलेशनशिप को शेयर करते हैं एक साथ, उसको हम बोलते हैं सोसाइटी. इसीलिए ही ये होता है हमारा ब्रॉडर टर्म, और जो कम्युनिटी होता है वो होता है नैरोअर या फिर लोअर टर्म जिसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल मोरालिटी एंड कंडक्ट. इसमें पूछा है कि वो कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल है जो डिटरमाइन क्या करता है इंडिविजुअल मोरालिटी और कंडक्ट को. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है वो है ए फैक्ट, बी ह्यूमैनिटी, सी वैल्यूज एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसमें पूछा है, अब आपको इनमें से तीन में ही देखना है, अगर तीनों ही जाते हैं तो फिर हम डी ऑप्शन पे जाएंगे. पर यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सी टर्म से रिलेटेड है जो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल मोरालिटी एंड कंडक्ट को, सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं. तो बताइए जल्दी से, हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ कि डैश ऐसे सिद्धांतों का मार्गदर्शन कर रहे हैं जो व्यक्तिगत नैतिकता और आचरण का निर्धारण करते हैं. इनमें से वो कौन सा है, फैक्ट आएगा, ह्यूमैनिटी आएगा, वैल्यूज आएगा, या फिर सारे ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं. तो यहाँ पर जो बेस्ट टर्म है वो है हमारा, जो आंसर जाता है इससे वो है हमारा वैल्यूज. वैल्यूज क्या होता है, हमारे कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज होते हैं जो क्या डिटरमाइन करते हैं कि एक के अंदर कितनी इंसानियत है, कितनी मॉरल वैल्यूज हैं और कितने उनको वो कैसे परफॉर्म करता है. तो यहाँ पर बिल्कुल जा रहा है आंसर हमारा वैल्यूज, हमारे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं मोरालिटी के साथ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डैश इज रिगार्डेड एज व्हाट रियली एग्जिस्ट इन नेचर. तो जो मतलब वास्तव में मौजूद होता है प्रकृति के अंदर, जैसे कि नेचर के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, या फिर सारे ही ऑप्शन जिसे कहते हैं. अब मैंने आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से एक आपको एग्जाम्पल दिया था, खैर मैं एग्जाम्पल आपको सभी कॉन्सेप्ट से देती हूँ, पर इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जिससे कि आप लर्न कर सकते हैं इसको, इस पॉइंट को. तो यहाँ पे पूछा है कि जो रियली एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, आपका फैक्ट बन जाता है. तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए फैक्ट, हम जिसे कहते हैं. और इसके मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि जो सन होता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, हमारा ईस्ट से पूर्व दिशा से सन जो सूरज होता है वो उगता है हमारा. तो बहुत सारे फैक्ट हैं
तो आपको जो रियली एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट। तो आप इनको भूलेगा मत और इनमें कंफ्यूज भी मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इंस्टीट्यूट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फॉलोइंग वैल्यूज विच आर दे। इसमें पूछा है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, भारतीय संविधान जो है हमारा, उनमें कुछ वैल्यूज होती हैं, तो आपको वो बताना है कि कौन सी वैल्यूज हैं। ए लिबर्टी, बी इक्वालिटी, सी जस्टिस, डी सेक्युलरिज्म, या फिर ई ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं और वो कौन सी हैं, ये आपको बतानी है, या फिर सारी ही इनकी वैल्यूज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपने भारतीय संविधान आपने पढ़ा हो या फिर देखा हो, तो उसमें यही है कि यहाँ पर ये सारी ही वैल्यूज़ को और भी इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ वहाँ पर गिवन है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम की। तो मैंने नॉर्मल टर्म्स है ये मैंने नहीं ली, तो वहाँ पर लिबर्टी आपकी स्वतंत्रता हो गई है, इक्वालिटी हो गई है जो समानता जिसे हम बोलते हैं इक्वल, जस्टिस न्याय हो गया है आपका, और सेक्युलरिज्म होता है कि आप जो हमारी इंडिया है, इंडिया हमारी सेक्युलर कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं और टॉप पर आती है वर्ल्ड में, जिसमें इतने मल्टी कल्चर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इंडिया किसी एक रिलीजन पे बाउंड नहीं है, बहुत सारे रिलीजन है। देन तो यहाँ पे इसका आपको करेक्ट आंसर मिल ही गया है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव, सारे ही वैल्यूज़ हैं और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ गिवन है, जो आप अगर देखना चाहें तो बुक में सब चीज़ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज़ अ सोशल यूनिट क्रिएटेड बाय ब्लड मैरिज और एडॉप्शन। यहाँ पे पूछा है कि वो सोशल यूनिट किससे क्रिएट होती है? खून से, जिसे हम बोलते हैं ब्लड, ब्लड रिलेशन जिसे हम बोलते हैं मैरिज, या फिर हम किसी को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सारे ही टर्म हमारी क्रिएटेड होती हैं ब्लड से, मैरिज से, अडॉप्शन से। तो ये भी इजी है, इजी टर्म है ये भी। तो कल की जो यूनिट थी बहुत इजी थी, हमने कुछ ऐसे ही टर्म्स को डिस्कस किया था लाइव सेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा फैमिली। फैमिली ही हमारी होती है जो हमारे ब्लड रिलेशन जिसे हम कहते हैं, ब्लड रिलेशन से जुड़ा होता है। सोसाइटी के अंदर आपको कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता। जो अब आप एक गर्ल और बॉय मैरिज करते हैं तो वो उनका क्या बोलते हैं, उनको फैमिली बन जाते हैं, फिर बाद में उनके बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी के नहीं होते तो एडॉप्शन भी हमारा फैमिली ही होता है। किसी को एडॉप्ट कर लिया तो वो आपकी फैमिली का मेंबर ही बन जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा फैमिली। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ कल्चर सिस्टम, बिलीफ सिस्टम एंड वर्ल्ड व्यूज दैट रिलेट ह्यूमैनिटी टू स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरल वैल्यूज। यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सा है जो कलेक्शन है कल्चरल सिस्टम का, बिलीव सिस्टम का, वर्ल्ड व्यूज का, और जो रिलेट किससे होता है? ह्यूमैनिटी से। किस पे? स्पिरिचुअलिटी पर और मॉरल वैल्यूज़ पर। तो जल्दी से बताओ इस टर्म से या इस स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट आंसर जाता है? एथनिसिटी, सोशल वैल्यूज़, रिलीजन, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आप देख रहे हैं कि एक कलेक्शन है किसका? कल्चरल सिस्टम का, जो जितने भी कल्चर्स होते हैं, बिलीव सिस्टम का, सबके अपने मान जो विश्वास रखने का होता है, बिलीव जिसे हम बोलते हैं सबका अलग होता है, वर्ल्ड व्यूज़ जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, हमारी ह्यूमैनिटी मीन्स हो गए इंसानियत से, एंड स्पिरिचुअलिटी हो गए हमारे जो हम भगवान को मानते हैं, नैतिक मूल्य जिसे हम कहते हैं, तो उनसे वो जुड़ा होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है और वो जाएगा वो है हमारा बिल्कुल रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? जैसा हर किसी का अपना अलग रिलीजन होता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, तो सबके अलग अलग रिलीजन है। तो यहाँ पे कल्चरल सिस्टम आ गया, सबका उनके बिलीव्स अलग होते हैं कि उनके धर्म में क्या कहा गया है, वर्ल्ड व्यूज होते हैं, एंड वो किससे रिलेटेड होता है? आपके स्पिरिचुअलिटी और मॉरल वैल्यूज से। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जाता है रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, डैश वैल्यू इज अ वैल्यू दैट वन हैज ऑफ इट्सेल्फ इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर थिंग। अब यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू है वो, क्योंकि हमने कल वैल्यूज़ के टाइप्स भी करे थे। तो यहाँ पर पूछा है वो कौन सी वैल्यू है जो वन हैज़ ऑफ इट्सेल्फ, जो अपने अंदर होती है एक, और इंडिपेंडेंटली वो मतलब कि किसी और दूसरी चीज़ से वो जुड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ऑब्जेक्टिव, या फिर सब्जेक्टिव, तो बताओ कि कौन सी वैल्यू है वो। तो जो अपने से जुड़ी होती है, यहाँ पर जब अपने से जुड़ा होकर नाम आ जाए तो वो होता है हमारा इंट्रिंसिक। हमने मैंने आपको इसका भी एग्जांपल के साथ समझाया था कल, तो
तो इनको आप ध्यान रखिए, एक्सट्रिंसिक होता है बाहर से जिससे जुड़ा होता है, और इंट्रिंसिक होती है जब अपने से जुड़ी होती है वो चीज़। तो यहाँ पे वन हैज़ ऑफ इट्सेल्फ एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर थिंग्स, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, जो खुद से जुड़ा होना। तो गाइज ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के, और यहीं पर हमारा ये सब्जेक्ट फिनिश होता है, दोनों ही यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। अब इसके बाद अब काफ़ी बच्चों का नॉलेज इन करिकुलम का सब्जेक्ट का पेपर है 30th को, तो हम उसकी आज रिवीजन करेंगे, और उसी से ही मैं एक आपका लाइव सेशन कंडक्ट करूँगी जिसके अंदर हम कुछ कवर कर पाएँ और कुछ हम रिवाइज कर पाएँ प्रीवियस टर्म, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है नॉलेज इन करिकुलम को हमने सेशन लिए हुए। तो आज और कल हम क्या करेंगे, नॉलेज इन करिकुलम को अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आज भी हमारा सेशन अब इसके बाद नॉलेज इन करिकुलम का रहने वाला है। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आपकी हेल्प हो रही है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए एस्पायरिंग टीचर्स के साथ, एंड कीप सब्सक्राइबिंग एस्पायरिंग टीचर्स एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीवेयर। और आपको अगर ये लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको कैसे लग रहे हैं, आपकी हेल्प हो रही है, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लैरिटी हो रही है या नहीं हो रही है, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि जो मेरा कंटेंट है वो आप तक डिलीवर हो रहा है और आपको समझ आ रहा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, कीप सपोर्टिंग एस्पायरिंग टीचर्स एवरीवेयर। थैंक यू सो मच।